वेलकम टू अवर चैनल ब्रोकन कोड्स। तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम संशोधित एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं, तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो ऑफिशियल आंसर की आने से पहले डिस्कस की थी इस वीडियो में। तो रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं जहाँ पर बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। इससे पहले वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इससे पहले वीडियो में एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाली वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसमें 301 ही जो कमीशन ने आंसर दिया है वही करेक्ट है। तो प्रीवियस वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इस क्वेश्चन को देखें, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर यहाँ पर आयोग ने दिया ऑप्शन नंबर बी डॉली। तो देखते हैं ये कैसे गलत है। तो ये है इस डॉक्यूमेंट का लिंक जहाँ पर आपको ये एक ऑक्सफोर्ड एकेडमिक का एक बायोसाइंस जर्नल है, ये एक SCI जर्नल है, जहाँ पर इस लिंक के थ्रू रिसर्च पेपर मिल जाएगा जहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इस डॉक्यूमेंट में एक लाइन लिखी हुई है जहाँ से क्लियर हो जाता है ये क्वेश्चन रॉन्ग है। वॉज डॉली द फर्स्ट एनिमल टू बी क्लोन्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है क्या जो डॉली शीप थी वो पहली क्लोन्ड एनिमल थी। ऑफ कोर्स नॉट, वो नहीं थी। तो इसमें और भी प्रूफ हैं जिससे क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन गलत है। वाई देन द सडन ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड अटेंशन टू बी अनाउंस्ड ऑफ अ क्लोन्ड शीप। वी बिलीव दैट बिकॉज डॉली वॉज द फर्स्ट एनिमल क्लोन्ड फ्रॉम एन अडल्ट सेल। तो यहाँ पर यही आंसर है जो इस क्वेश्चन में होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये आंसर सही होता, बट ये जो वर्ड है इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर गलत है। तो इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और प्रूफ्स के साथ। तो देखो ये है विकिपीडिया का पेज, और ये विकिपीडिया के पेज में इस डॉली शीप के बारे में लिखा हुआ है। ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको सीधे देख लेते हैं। यहाँ पर डॉली शीप नोन फॉर फर्स्ट मैमल क्लोन्ड फ्रॉम एन अडल्ट सोमेटिक सेल। यहाँ पर सोमेटिक सेल अभी देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन 1974 रुडोल्फ जेनिस क्रिएटेड अ ट्रांसजेनिक माउस बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन DNA इनटू इट्स एम्ब्रियो मेकिंग इट वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है ट्रांसजेनिक माउस के बारे में, जिसे 1974 में रुडोल्फ जेनिस ने क्रिएट किया था, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल था उस समय, और इसे वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कहते थे। अब आगे है मेथड्स, ये मेथड्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। देर आर टू बेसिक टेक्निकल अप्रोचेस टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस। द फर्स्ट इन्वॉल्व्स प्रो न्यूक्लियर इंजेक्शन, अ टेक्निक डेवलप्ड एंड रिफाइंड बाय रैल्फ एल बिनिस्टर इन द 1960 एंड 1970। तो 1970 में टेक्निक डेवलप हुई, और 1974 में रुडोल्फ ने इससे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड माउस को प्रोड्यूस किया इनटू अ सिंगल सेल ऑफ माउस एम्ब्रियो वेयर इट विल रैंडमली इंटीग्रेट इनटू द माउस जीनोम। This method creates a transgenic mouse and it is used to insert new genetic information into the mouse genome or to overexpress endogenous genes. तो यही इसका main aim होता है, genetic information को cell में introduce करना। तो genetically modified animals में क्या किया जाता है, नई genetic information किसी cell में introduce की जाती है, और वो properties उससे जो भी animal बनता है उस पर extra properties आ जाती हैं। तो ये plants और animals दोनों में इसका use होता है। The second approach pioneered by Oliver Smith and Marcio Capecchi involves modifying embryonic stem cells. तो यहाँ पर ये embryonic stem cell important है, और यहाँ पर pro-nuclear injection important है. With a DNA construct containing DNA sequence homologous to a target gene. ठीक है, अब यहाँ पर देखो somatic cells का meaning क्या है. A somatic cell or vegetal cell is a biological cell forming the body of a multicellular organism other than a gamete, germ cell, गैमेटोसाइट और अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल। तो यहाँ पर जो सोमेटिक सेल है वही अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल है, तो सोमेटिक सेल और स्टेम सेल में यहाँ पर को डिफ्रेंशिएट हमें नहीं करना है। और यहाँ पर देखो वही सोमेटिक सेल लिखी हुई है, फर्स्ट मैमल क्लोन्ड फ्रॉम एन अडल्ट सोमेटिक सेल और स्टेम सेल। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम क्या है। अगर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया होता फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम सेल, सोमेटिक सेल या अडल्ट सेल, तो उसका राइट आंसर होता है डॉली। बट यहाँ पर पूछा गया है प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है। अभी हमने देखी यहाँ पर को दो मेथड थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, पहला था प्रो न्यूक्लियर इंजेक्शन और सेकंड थी यहाँ पर को सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल और स्टेम सेल टेक्निक। तो सोमेटिक सेल और स्टेम सेल टेक्निक से जो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बना हुआ है वो है डॉली, बट
जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल है, जो कि उससे पहले जो टेक्निक इन्वेंट हो गई थी प्रो न्यूक्लियर इंजेक्शन, उससे बना हुआ है माउस या माइस। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे माइस तो एक रोडेंट है और डॉली एक शीप है, एक भेड़, लेकिन ये दोनों ही क्या होते हैं, जो इनका एनिमल किंगडम है ये बिलोंग करते हैं एनिमल से, ये दोनों ही एनिमल में आते हैं और इनको दोनों को ही बोला जाता है मैमल। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है और ये एलिमिनेट होना चाहिए। तो यहाँ से एक प्लस वन बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, राइट। और ये इसका SCI जनरल का प्रूफ, और यहाँ से इस लिंक से इसको कॉपी करके, इसमें मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, बट और स्टूडेंट अगर रेज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब सेकंड देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है 61। तो 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो अधिनियम का मीनिंग होता है एक्ट। तो अभी 3 जनवरी 2022 तक जो टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट आए हैं वो हैं 105, ठीक है। अब देखो, जैसा आपको प्रोसेस पता है कि बिल से एक्ट कैसे कन्वर्ट होता है, पहला होता था फिर राज्यसभा, फिर उसके बाद होता है राष्ट्रपति। तो जैसा हमें पता है कोई भी अमेंडमेंट जो होता है बिल की फॉर्म में सबसे पहले सभा में जाता है, 2/3, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, इस मेजोरिटी से जब वो विधानसभा में पास हो जाता है तो फिर वो बिल जाता है किसके पास, राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा में सेम वोटिंग होती है, फिर राज्यसभा के बाद ये क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो जब प्रेसिडेंट इस बिल में साइन करते हैं तो ये बिल क्या होता है, एक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, बहुत सारे बिल क्या होता है राज्यसभा से वापस चले जाते हैं सभा में और वो बिल ही रह जाते हैं। कुछ बिल क्या होते हैं सभा से राज्यसभा में पास हो जाते हैं, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि उसमें कुछ असंवैधानिक चीज़ें हैं तो बिल को क्या करता है, फिर से वापस राज्यसभा में, राज्यसभा से विधानसभा में भेज देता है उसको रिकंसिडरेशन के लिए या उसमें चेंजेस के लिए। इसलिए जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी तक सिर्फ 105 अमेंडमेंट एक्ट आए हैं और यहाँ पर को होना चाहिए था 124वां संवैधानिक संशोधन बिल। और यहाँ पर अगर बिल होता तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट था, बट यहाँ पर एक्ट है तो एक्ट से क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए प्लस वन बोनस मार्क्स यहाँ से मिलने के चांसेस हैं। तो टोटल अभी तक प्लस टू बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें अदर स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा, बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हम कुछ रॉन्ग आंसर कीज जो हैं, जहाँ पर आंसर की चेंज हो सकती हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 था, तो इसमें ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर सी दिया है, जबकि एक्चुअली में जो करेक्ट आंसर है विद रेफरेंस टू सेंसस वो टिहरी गढ़वाल है। और एक क्वेश्चन 147 था, इसमें आयोग ने ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाएगा या फिर ऑप्शन इसका बी ही रहेगा। और 145 में आयोग ने दिया हुआ है ए, आवाज़ से, और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि इसका आंसर साउंड होना चाहिए, तो यहाँ पर भी अभी आंसर की मे भी चेंज हो सकती है। तो कट ऑफ को समझने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सपोज एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी, ए स्टूडेंट ने क्या किया है, टिहरी गढ़वाल करेक्ट किया है, और सेकंड क्वेश्चन में उसने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट किया है, ये उसने यहाँ पर को लगाया, और वो 92 मार्क्स उसके अभी आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से। और एक एस्पिरेंट है बी, उसने सी सही किया हुआ है 28 में, और 145 में इसने भी ए किया हुआ है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब आंसर की चेंज होगी तो आपके मार्क्स में कैसे वेरिएशन आएगा। सपोज ए ने यहाँ पर को टिहरी गढ़वाल सही किया, इस क्वेश्चन में इसने ए सही किया और इसके 92 मार्क्स आ रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि टिहरी गढ़वाल करंट आंसर की में गलत है, जबकि ये आंसर सही होना चाहिए, और इसको यहाँ पर को मिले हैं इसके -0.25 नेगेटिव। और यहाँ पर 95 जो लड़का बी है उसने उत्तरकाशी सही किया है और इसको +1 मार्क्स मिले हैं इसके। अब सपोज जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा बी, और सी को वहाँ पर को रॉन्ग किया होगा, तो यहाँ पर बी ने सी सही कर रखा है, तो इसके मार्क्स कितने घटेंगे, 95 -1.25, 1 जो है एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, और ये गलत होने के बाद उसको -1.14 पेनल्टी पड़ेगी। एक क्वेश्चन के आंसर की चेंज होने से उसको टोटल लॉस हो जाएगा 1.25 मार्क्स का, और उसका स्कोर हो जाएगा 93.75। और वैसे लड़का ए है, ठीक है, इसके 92 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इसने टिहरी गढ़वाल सही किया, तो पहले इसको -0.25 नेगेटिव मिले थे जिससे इसका स्कोर 92 बन रहा था। अब क्या होगा, जब टिहरी गढ़वाल इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसको यहाँ ऐड होंगे मार्क्स +1.25, तो इसका स्कोर हो जाएगा यहाँ पर को 93 पॉइंट। तो एक मार्क्स से यहाँ पर ए और बी जो लड़के हैं उनमें इतना डिफरेंस आएगा। और ऐसे और भी यहाँ पर को ऑप्शंस हैं, जैसे कि 145 वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी आंसर की चेंज हो सकती है, लेकिन अभी हम इसको
वही लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पर ये है जो मैंने ऑब्जेक्शन यहाँ पर इसको लगाया था, इसमें आयोग ने आंसर दिया हुआ है बी, और यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से क्या हो सकता है। फिर उसके बाद है मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, एक से ज़्यादा जब आंसर सही हो, नन ऑफ दीज, यहाँ पर कोई भी आंसर सही ना हो, और रॉन्ग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पर को रॉन्ग पूछा गया है, तो नन ऑफ दीज में भी यहाँ पर को क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन में भी एलिमिनेट हो जाएगा, और डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर को की चेंज होने के चांसेस बचते हैं यहाँ पर, और अगर ये तीन पॉसिबिलिटी हैं किसी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन के डिलीट होने के चांसेस 100% हैं। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन जहाँ पर भी आपको लगता है कि लगाना चाहिए किसी क्वेश्चन में तो आप उसे लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि बोनस मार्क्स आपके फाइनल स्कोर को कैसे वेरी करते हैं। सपोज यहाँ पर तीन लड़के हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 और 61, ए लड़के ने सपोज दोनों गलत अटैम्प्ट किए हैं अभी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो इसको यहाँ पर को लॉस होगा कितने का, -0.25 का। और सेकंड क्वेश्चन क्या किया उसने, 61 ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है डी, बट उसने ए सी या बी लगाया हुआ है, तीनों में से एक लगाया हुआ है, सही नहीं लगाया, तो यहाँ से भी उसको लॉस कितने का होगा, -0.25 का। तो उसका टोटल लॉस यहाँ पर कितना हो गया, -0.5। अब सपोज यहाँ पर एक लड़का है बी, अब इसने क्या किया, इसने दोनों के दोनों क्वेश्चन छोड़ दिए, तो यहाँ पर इसका टोटल लॉस क्या हो गया, 0, उसे किसी टाइप का लॉस नहीं हुआ। अब एक लड़का है यहाँ पर को सी, जिसने क्या किया है, कमीशन के आंसर की के अकॉर्डिंग सही आंसर टिक किया हुआ है, उसने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को टिक किया, तो उसको यहाँ पर गेन हुआ कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का गेन हुआ। अब देखो यहाँ पर को मार्क्स में कैसे वेरिएशन आएगा जब आयोग इन दोनों क्वेश्चन को डिलीट करता है। तो जो लड़का ए है, तो सबसे पहले तो उसके -0.5 जो नेगेटिव हो रहे थे वो नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। अब टोटल 148 क्वेश्चन ही बचे आउट ऑफ 150, तो 0.15 उसके नहीं कटेंगे। इन सब से ए बी सी का जो फाइनल स्कोर है, सी का सपोज 92 हो रहा है, बी का 91 हो रहा है और ए का 90 हो रहा है, तो ए जो लड़का था उसको -0.5 का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब दोनों क्वेश्चन डिलीट हो गए तो उसे भी 2 मार्क्स बोनस मिलेंगे, प्लस जो उसके 0.5 नेगेटिव हो रहे थे वो भी उसको यहाँ पर को मिल जाएंगे क्योंकि वो मार्क्स कटेंगे ही नहीं, तो टोटल इसको जो गेन होगा 2.5 मार्क्स का होगा इन दोनों क्वेश्चन के डिलीट होने के बाद। अब जो लड़का बी है जिसने इनको अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो इसको कितना गेन होगा, तो इसको 2 मार्क्स बोनस मिल जाएंगे +2। अब जो लड़का सी है, आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग उसके दोनों क्वेश्चन सही थे और उसको 2 नंबर गेन हुए थे, तो सबसे पहले जब ये 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे तो सी जो लड़का है ये 2 से सबसे पहले -2 में जाएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन तो डिलीट हो चुके हैं। अब क्या होगा, उसको 2 मार्क्स और बोनस मिल जाएंगे +2, तो पहले उसके -2 हुए फिर +2 हुए, तो टोटल इसका जो जिसको ओवरऑल गेन हुए मार्क्स वो 0 हुए, ठीक है, ना इसे गेन हुए ना इसे लॉस हुआ। तो क्वेश्चन डिलीट होने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होता है, वो होता है जो रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है। पहले तो रॉन्ग से उसके कटने चाहिए थे लेकिन क्वेश्चन डिलीट होने पर उसके वो नंबर कटते भी नहीं है और एक्स्ट्रा एक 1 मार्क्स बोनस भी मिल जाता है, जैसे यहाँ पर ए को मिला 2.5, और जिसने अटैम्प्ट नहीं किए वो नेगेटिव मार्क्स से तो बच जाता है बट उसको बोनस मार्क्स से फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनका आंसर किसी स्टूडेंट ने अगर सही दिया है तो उसको जो नेट प्रॉफिट रहता है वो 0 का रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के जो मार्क्स हो गए 2.5 से इंक्रीज़ हो जाएंगे, 90 से कितने हो जाएंगे, 92.5, और बी के 91 से कितने हो जाएंगे, 93, और जो 92 वाला था इसके 92 के 92 ही रहेंगे। तो ऐसा कुछ वेरिएशन आएगा बोनस मार्क्स से। तो अब देखते हैं कट ऑफ, जो यूट्यूब पर आंसर की काफ़ी चैनल्स ने डिस्कस की थी तो उनकी जो आंसर की में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है आयोग की आंसर की से, और इस 4 से 5 नंबर उनके ज़्यादा आ रहे थे। अब क्या हो रहा है, जो इनको लॉस है मार्क्स का वो 4 to 5 मार्क्स का नेट लॉस है ईच एंड एवरी कैंडिडेट को। तो अब देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ यहाँ पर को क्या रह सकती है। जैसे आपने देखा जो स्टूडेंट के मार्क्स वेरी कर रहे हैं वो 2 वजह से वेरी करेंगे, पहला है बोनस मार्क्स और दूसरा आंसर की चेंज। तो बोनस मार्क्स से हमने देखा या तो कम मार्क्स इंक्रीज करेंगे या ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करेंगे या फिर वो स्टेग्नेंट रहेगा, मार्क्स वही के वही रहेंगे, तो 3 पॉसिबिलिटी हैं बोनस मार्क्स से। और आंसर की जब चेंज होगी तो मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट ने क्या टिक किया हुआ है आंसर। तो ये तो फाइनल, जब आयोग अपनी फाइनल आंसर की निकालेगा तभी इसका पता लगेगा, लेकिन इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो 2 to 4 मार्क्स सभी को बोनस मिल सकते हैं। अभी डिपेंड करेगा कि अभी की आंसर की में किसने क्या टिक किया है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग।
तो बोनस मार्क्स का वेरिएशन होगा 2 से 4 नंबर में, क्योंकि लगभग इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर लगता है जो गलत हो सकते हैं और जो डिलीट होंगे। स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं 4 to 5 लेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर को हम देख सकते हैं कि हम मिनिमम रेंज लेकर के चलते हैं कि जो मेल्स की कट ऑफ है, जो नई कट ऑफ, वो लगभग 94 ± 1 के आसपास रह सकती है, और वैसे फीमेल्स की लगभग 4-4 मार्क्स आप सबके डिक्रीज कर सकते हैं, 84 ± 1 रह सकती है। वैसे ओबीसी की 93 ± 1 के आसपास रह सकती है मेल्स की, और 81 ± 1 फीमेल्स की रह सकती है ओबीसी में। अब एससी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ रह सकती है वो 78 ± 1 के आसपास रह सकती है मेल्स की, और फीमेल्स की कट ऑफ रह सकती है 67 ± 1 के आसपास। वैसे ही जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है 84 ± 1 के आसपास, और जो एसटी फीमेल्स हैं 72 ± 1 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है 90 ± 1 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ रह सकती है 78 ± 1 के आसपास। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि फाइनल आंसर की के बाद स्टूडेंट के नंबर 4 से 5 नंबर उनके कम हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर को प्रिपरेशन किसको करनी है मेंस की। जैसे कि हमने देखा कि बोनस मार्क्स स्टूडेंट को 2 से 4 नंबर के आसपास मिल सकते हैं, और आंसर की चेंज होने से भी 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब जो मेंस की तैयारी करनी है, जो भी आपकी यहाँ पर को कट ऑफ रेंज बताई गई है, आप उससे 4 नंबर अगर नीचे हो, 4 से 5 नंबर अगर नीचे हो, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। सपोज यहाँ पर 94 कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, तो अगर आपके 89 या 90 भी हैं, तो डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट जिनके 89 और 90 मार्क्स आ रहे हैं, उनको 4 से 5 नंबर का फ़ायदा होगा। अब वो कितने स्टूडेंट होंगे ये डिपेंड करेगा फाइनल आंसर की आने के बाद, तो डेफिनेटली 94 या 95 के आसपास पहुंचेंगे। सारे तो स्टूडेंट नहीं पहुंचेंगे जिनके 89 से 90 आ रहे हैं, बट उसमें से 3 से 4% स्टूडेंट डेफिनेटली 94-95 के आसपास पहुंचेंगे, और ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ होगा। जैसे यहाँ पर को ओबीसी के 93 हैं, तो 93 वाले तो 88+ जिसके हैं मेल्स में ओबीसी में, वो प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए, क्योंकि सारे 88+ जो ओबीसी मेल्स हैं उनका जरूरी नहीं है कि उनके 2 से 4 नंबर ही बढ़ें, किसी के 2 बढ़ेंगे, किसी के 3 और किसी के 4 भी बढ़ सकते हैं। वैसे आंसर की चेंज होने पर उनके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि किस स्टूडेंट की अभी के आंसर की के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो और वैसे ही एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल, आप सब इसको देख सकते हैं कि आपकी जो भी कट ऑफ है उससे अगर आपके 4 से 5 नंबर नीचे हैं, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। I hope you like this video and see you in next video.